मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा है। इन दोनों ही क्षेत्रों की एक नई पहचान बनी है। अनेक विषयों में ये दोनों केंद्र संघ प्रदेश व्यवस्थाओं में अपूर्णता से निकल करके पूर्णता की तरफ आगे बढ़े हैं। आज दमन, दीव और दादरा नगर हवेली दोनों ही खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। आज दोनों ही क्षेत्रों के हर घर में एलपीजी कनेक्शन है और दोनों ही केरोसिन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। आज दोनों यूनियन टेरिटरी के सभी घरों में बिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। आज इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले वो गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के योग्य थे, उन्हें घरों की मंजूरी दी जा चुकी है। आज दोनों ही क्षेत्रों के वो लोग जिन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना है, गोल्ड कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथियों, अगर मैं बीते 3 वर्षों की ही बात करूं तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में करीब करीब 9000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 9000 करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं अब हमारा क्षेत्र कहां से कहां पहुंच रहा है। इस राशि से अनेक परियोजनाएं शुरू की गई है, अनेक को पूरा किया गया है। इसी कड़ी में आज यहां स्वास्थ्य से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आपकी एक बहुत पुरानी मांग भी पूरी हुई है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को आजादी के इतने दशकों के बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिले आप।